गोइंग ऑन गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ वॉबली लाइफ। एंड ये देखो आज का मौसम कितना सुहाना है दोस्तों। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना भाई, जब मौसम इतना अच्छा है तो कपड़े वपड़े पहन करके चला जाए एक बाइक राइड पर, है ना। तो गाइस इसीलिए मैंने चॉप को कॉल कर दिया है एंड मिस्टर चॉप भी अपनी एकदम मस्त बाइक को चमका करके रेडी रखा है भाई। तो मैं भी यहाँ पर निकलवा लेता हूँ अपनी बाइक। हम लोगों ने भी कल ही सर्विसिंग करवाई है इस बाइक की और देखो लग रही है ना झकास। तो गाइस नाउ इट्स टाइम कि चले एक बाइक राइड पे। तो मैंने और चॉप ने डिसाइड किया है कि अपन लोग, ओ भाई ये कौन है, ये देखो ये बंदा भाई अपने घर को देख करके पूरा अचंभित हो गया है, सोच रहा है इस घर में रहता कौन है। अरे टेंशन ना लो दोस्त, अपन लोग वॉबली लाइफ के सबसे बड़े माफिया बॉस है और कुछ नहीं गाइस। हमारे पास लिटरली $100,000 के इतना पैसा था। वेल उसमें से थोड़ा कम हो गया बट कोई बात नहीं भाई। तो एनीवेज रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक, अपन लोग अभी शहर में मीट करने जा रहे हैं चॉप से। एंड गाइस अपने को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि देखो यार मौसम जो है वो बहुत ही जल्दी बदल भी सकता है। बहुत सारे एरियाज जो हम लोगों को कवर करने हैं, तो देखता हूँ कितना कवर कर पाते हैं इस वीडियो के अंदर। बट या आई प्रॉमिस यू गाइस बहुत मजा आने वाला है इस एडवेंचर पे। तो जस्ट वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड आई अश्योर यू आपको एकदम जबरदस्त एडवेंचरस राइड मिलेगी। और फिलहाल के लिए तो चॉप द नूब है कहाँ पर। तो भाई अपने पीछे देखो ब्रो, अरे ये देखो अपना दोस्त आ गया। अबे थोड़ा जल्दी चला ले भाई, टाइम खत्म हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो चॉप आ तो रहा है, आई थिंक मैं इसके लिए वेट कर लेता हूँ। तो भाई नहीं नहीं नहीं, लोकेशन स्पॉट पे मिलना ब्रो। अबे कहाँ चला गया नूब इंसान, इसको बोला था मेरे साथ चल, लेकिन छोड़ो हटाओ मैं ही इसके साथ चल लेता हूँ। सर जी रुक जाओ, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो, अबे उधर से निकल रहे भाई। कौन सा लोकेशन स्पॉट है, तेरे को पता है ना मैंने बोला था गाइस इसको पुलिस स्टेशन के पास मिलने के लिए। लेकिन बताओ ये भाई साहब इतने स्लो है, इन्होंने पुलिस स्टेशन तो छोड़ो भाई, मैं पहले पहुंच गया पुलिस स्टेशन। खैर हटाओ गाइस, फटाफट से चलते हैं और यहीं पर से राइड को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट गाइस एवरीथिंग इज सेट एंड वी आर रेडी टू गो। तो चलो 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 मस्त निकलते हैं। एंड ये देखो चॉप अपनी रेड कलर की चॉपर लेके आया है एंड हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर की चॉपर लेके आए। मेरी बाइक थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है तो इसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना गाइस क्यों ना बाइक को रिपेयर कर लिया जाए। तो चलो फटाफट से बाइक को रिपेयर करते हैं एंड यहाँ पर से निकलते हैं। All right guys, bike has been repaired. चॉप भी पीछे पीछे आ रहा है एंड हमारा पहला डेस्टिनेशन होने वाला है वो जो स्नोई माउंटेन देख रहे हो आप ऊंचाई पे, बस वही जा रहे गाइज। लेकिन उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा, हम लोगों को बहुत सारे कर्व्स एंड टर्न्स एंड अलग अलग जगहों से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो भाई बात तो बोलता हूँ, यहाँ पर भाई बहुत ही जल्दी एक दुकान आएगी, वहां पर से थोड़ा खाना खा लेते हैं ब्रो। अबे तूने खाना नहीं खाया, सुबह में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया भाई इस बंदे ने। तो भाई ऐसा नहीं है ब्रो, मैंने खाना खाया था लेकिन लंच करना भूल गया भाई। अरे लंच का तो जस्ट टाइम हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब ये बोल ही रहा है तो चलो चल लेते हैं। अरे उधर कहां जा रहा है, कचरा खाएगा क्या। फॉक्ट भाई अरे सॉरी वो गलत टर्न ले लिया, मैं भूल गया था दुकान आगे में है ब्रो। आओ 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 चलो जल्दी चलो भाई। वैसे ही भाई दोपहर हो चुकी है, अपने को भाई माउंटेन जाना था एंड ये भाई साहब बताओ यार खाने पीने के लिए रुक रहे हैं। जाओ चलो भाई बाइक को यहां पर रोकते हैं मस्त एंड जा जल्दी से खा कर क्या। फॉक्ट भाई चलो मेरे साथ चलो, आप भी कुछ खा लेना ब्रो, ऐसे बैठे बैठे क्या करोगे भाई। आइडिया तो वैसे बुरा नहीं है, चलो भाई साहब दिखाओ। अरे अरे भाई साहब, ओरे भैया ये घुस गया मेन्यू के अंदर गाइस, अब मैं कैसे खाना खाऊंगा, निकल भुक्कड़ कहीं के। फॉक्ट भाई हटो सामने से, एक पेप्सी पीने दो ब्रो। चल तेरी पेप्सी मैं लेके जा रहा हूँ। अब बताओ दोस्त सोडा पियोगे तुम, ये लो गट 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 सारा सोडा भाई पेट के अंदर ये ले। फॉक्ट भाई अच्छा नहीं क्या, मेरी मम्मी ने मेरे को बस 10 रुपया दिया था, वो सारा सोडा पी लिया आपने, अब मेरे पैसे निकालो भाई। अरे अरे पैसे पैसे नहीं है भाई, पैसे नहीं। अच्छा सुन 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 मेरी बात सुन, मैं तेरे को ना खाने के बदले खाना खरीद के देता हूँ, ठीक है आ जा ब्रो। ऑलराइट गाइस, तो क्या खरीदा जाए चॉप के लिए। वैसे मैं सोच रहा था चॉप एक कुत्ता है तो उसके लिए हम लोग कैट फूड खरीद देते हैं ना। फॉक्ट भाई ये क्या भाई, इसका मतलब है अगर किसी बंदे को भाई सब्जी खाना पसंद है तो आप करेला खरीदोगे उसके लिए। अरे चुप ना चुप करा भाई, ज्यादा बहाने मत मारा कर, जो मिल रहा है खा ले समझ गया। फॉक्ट भाई ये लो भाई, स्कैन को आपकी बाइक के ऊपर रख दिया मैंने, इसको चलाते हुए लेके जाना यहाँ पर से। अबे ये तो रॉकेट लग रहा है भाई। एनीवेज आजा भाई आजा, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, जल्दी से चलते हैं भाई। ऑडियंस भी बोल रही होगी भाई साहब राइड स्टार्ट हुई नहीं, इन लोगों की नौटंकी पहले शुरू हो चुकी है। ऑलराइट गाइस लेट्स गो। अब आगे के जर्नी में बस एक ही और स्टॉपेज होने वाला है हम लोगों का एंड वो होगा भाई रिफ्यूलिंग के लिए और उसके बाद सीधा माउंटेन के ऊपर। आई थिंक अपन लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो बाइक घुमा लिया है मैंने एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। और आई थिंक यही वो रोड है गाइस जो हम लोगों को माउंटेन के ऊपर लेके जाने वाली है। इसके लिए हम लोगों को मेन आइलैंड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा एंड हम लोगों को फार्म आइलैंड के पास वाले आइलैंड पे जाना होगा। नहीं ये फार्म आइलैंड भी नहीं है, ये फार्म आइलैंड से भी एक अलग ही आइलैंड है गाइस। ऑलराइट गाइस ये सफर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक
ट्रक है लेकिन ये चौप मानता नहीं है मेरी बात। देखो भाई कैसे गाड़ी भगाते हुए ले जा रहा है। अबे आराम से चल ले भाई। फोक्ट भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा है, बाइक की पेट्रोल खत्म होने वाली है। अच्छा ऐसा है क्या? वेल टेंशन मत ले, आगे आगे है एक और पेट्रोल पंप रास्ते में, वहां से अपन लोग पेट्रोल भरवा लेंगे। और ये देखो बाइक क्यों ठोक रहा है भाई, फट जाएगी मेरी बाइक। ऑलराइट चलो इसको तो भाई जो करना है करने दो, अपन लोग भी थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेंगे। वैसे मैंने सुबह में ऑलरेडी बाइक में पेट्रोल डलवाया था गाइज, बट आई कैन नॉट बिलीव दिस, इतना जल्दी जल्दी पेट्रोल खत्म होगा तो कैसे काम चलेगा। ऑलराइट चलो बाइक को यहां पर आई डोंट थिंक यहां पर रोकना चाहिए, पेट्रोल भरवाना है भाई, यहां पर रोको। हां तो बाइक अपना मस्त पेट्रोल भरेगी भाई, यहां वॉबली लाइफ का सिस्टम ऐसा ही है, बाइक को लगा दो मस्त पेट्रोल भरते रहेगी। और ये देखो चॉप, तूने बोला तू भाई पेट्रोल भरने आई, ये क्या कर रहा है भाई? पैसे खत्म हो गए तो थोड़ी चोरी डकैती कर रहा हूं ब्रो। अबे चोरी नहीं कर भाई, पुलिस ले जाएगी। ये देखो गाइस कैश रजिस्टर खोलने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। फोक्ट भाई मदद करो ना मेरी। अरे मैं नहीं मदद कर रहा हूं, पैसे चाहिए तो ये देखो यहां पे गिफ्ट हैम्पर पड़ा है, इसको कलेक्ट कर लो। और भाई मस्त $50 जेब के अंदर। फोक्ट भाई रुको रुको एक सेकंड भाई, अरे मेरा कैरेक्टर ग्लिच कर गया ब्रो। अबे कहां जा रहा है भाई, गिफ्ट उधर है यार, ये बहुत नौटंकी करता है गाइस। रुको मैं एक सेकंड में मिलता हूं आपसे। ऑलराइट गाइस बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद फाइनली मैंने ट्रिप कंटिन्यू कर दिया है, चौप पीछे ही रह गया भाई, वो इतना टाइम पास आदमी है ना, बताओ यार दुकान लूटने चला गया भाई। अबे क्राइम नहीं करना है भाई, मस्त पहाड़ों का मजा लेने आए थे, बताओ शाम हो गया गाइस, पूरा का पूरा मौसम खराब कर दिया इस नूब ने। कितना मस्त धूप में भाई अपन लोग बाइक लेके निकले थे, ठंडी का मौसम है गाइस, एकदम मस्त ताजी ताजी धूप हमारी स्किन के ऊपर पड़ती, पूरा मूड फ्रेश हो जाता। लेकिन इस बंदे ने मूड फ्रेश तो छोड़ो भाई, पूरा मूड खराब कर दिया दोस्तों। भाई टेंशन मत लो, रात होने के पहले अभी पहाड़ों के ऊपर पहुंच सकते हैं अपन लोग। अरे लेकिन एक और राइड करनी थी यार, खैर हटाओ गाइस उस राइड को, लगता है कल कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोगों का टास्क वन यही है कि जल्दी से माउंटेन्स के ऊपर अपने को क्लाइम करना था। ऑलराइट दोस्तों माउंटेन की एंट्री बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी है, आई रिमेम्बर मैं पहले भी आया हुआ हूँ यहाँ पर, बट भाई अपन लोग कभी राइड करने के लिए नहीं आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई चलो फटाफट से बाइक लेके निकलते हैं। वो रहा हमारा एरिया 51 का एंट्रेंस भी वही से है, आप लोगों को तो याद ही होगा भाई वॉबली 51 यानी कि रियल लाइफ का एरिया 51 बेस भी यही पर है। अबे भाई गेट तो खोल रहे है तो गेट तोड़ के क्यों जा रहा है भाई? बाइक पे कंट्रोल नहीं है आज मेरा, मेरे को चारे दो ब्रो। अबे लेकिन आगे का कुछ सोचा है, यहाँ पर से प्लेन लेके आगे जाना है ब्रो। ऑलराइट इसने बाइक तो पार्क कर दी है, अरे अरे भाई साहब जीप में कहाँ बैठ रहे हो? फोक्ट भाई प्लेन पे चलो भाई, लेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ऑलराइट गाइस तो आप लोग देख सकते हैं बेसिकली यार कल रात हो चुकी थी बहुत ज्यादा एंड मौसम बहुत खराब हो गया था, तो मैंने और चॉप ने डिसाइड किया कि अपन लोग राइड को वहीं पर खत्म करने वाले हैं एंड अपन लोग रात गुजार करके अब आ चुके हैं वापस से नेक्स्ट डे पर। और गाइस यहां पे हेलीकॉप्टर जो है थोड़ा मिसबिहेव कर रही है, आई थिंक इसको लैंड कराने के पहले ये भाई प्रॉब्लम देती है। ओ नहीं 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 क्रैश मत करियो भाई। फोक्ट भाई मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हूं, जो भी खाना खाया है मुंह के बाहर आ जाएगा, आराम से चलाओ भाई। अरे आराम से ही चला रहा हूं दोस्त। ऑलराइट पहुंच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, अब टाइम है अपनी अपनी बाइक्स निकालने का। आ जाओ दोस्त देखो मैंने अपनी मस्त बाइक निकाल ली है, तू क्या कर रहा है? फोक्ट भाई अरे कहां है भाई ये बाइक वाला पोस्ट? अबे हाथ में क्या लेके घूम रहा है, आइसक्रीम कहने क्या? खैर हटाओ भाई इसको, बाइक लेने दो। एंड गाइस कैसा लगा आप लोगों को हमारा डे टू का डेस्टिनेशन? वैसे मैं आप लोगों को बता दूं इस भाई बाइक राइड में ना एक बहुत ही प्यारी वॉटरफॉल से होते हुए जाने वाले अपन लोग, तो स्टे ट्यून टिल द एंड क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट हाईलाइट होने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा इसको बचा करके रखते हैं लास्ट वाले पार्ट के लिए। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं। वैसे ये वाला एरिया जो है ये ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए एंड बीच में गाइस एक कैंपिंग स्पॉट भी आता है जहां पर हम लोग रुक करके थोड़ी देर कैंपिंग भी करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई चॉप जो है अभी फटाफट से हमारी बाइक, नहीं अपने से आगे क्यों चल रही है भाई? मेरे को रास्ता पता आपको बताने की जरूरत नहीं है ब्रो। अबे ये वाला भाई वॉटरफॉल नहीं है, वो बड़ा वॉटरफॉल है गाइस, ये तो एकदम छोटू सा वॉटरफॉल है। और ये देखो अबे आराम से गुफा है, ठोक देगा बाइक को, ये देखो ठोक भी दिया भाई, बोला था इसको अंधेरी गुफा में आराम से चलाने के लिए लेकिन सुनता ही नहीं है। ऑलराइट तो गाइस कैंपिंग स्पॉट अभी आता ही होगा एंड ये रहा, तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा स्वीट एंड सिंपल कैंपिंग स्पॉट। यहां पर जब मैं भाई बहुत ही ज्यादा मस्त मस्त रातों को जब मेरे को एडवेंचर करना रहता तो मैं यहीं पर आता हूं, और कितना मस्त सीनरी है यहां पर से आप लोग देख सकते हो, पूरा जंगल वाइब मिलता है आप लोगों को, कोई भी चीज डिस्ट्रक्ट नहीं करती हमारा व्यू एंड मस्त हम लोग यहां पर पीसफुली अपने समय को एंजॉय करते हैं गाइस। ऑलराइट गाइस तो काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया है हम लोगों ने एंड आई थिंक इट्स टाइम टू गो। ठीक है पूरा टाइम नहीं है भाई अपने पास वेस्ट करने के लिए, चलो अपने नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। तो चॉप कैसा लगा तुम्हें ये वाला स्पॉट? फोक्ट भाई शहर से तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, मेरे को इस आइलैंड पे और बाइक राइड्स करनी चाहिए भाई। अरे करेंगे दोस्त करेंगे, टेंशन ना लो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके यहां पर से हम लोगों को गाइस एक लेफ्ट टर्न मारना है, अभी मैं मिस कर जाता भाई बहुत बुरी तरीके से। लेट्स गो पहाड़ी के ऊपर और अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। एक सेकेंड ये जंगलों में ना गाइस थोड़ा सा रास्ता जो है वो भटक इंसान आसानी
आसानी से जाता है, इसलिए मैं इजिली बाइक चला रहा हूँ। और ये देखो भाई रास्ते पे पेड़ बने हुए, भैंस की टैट। ऑलराइट, तो ये रहा वो सीक्रेट स्पॉट जिसकी बात कर रहा था मैं। एंड ये देखो है ना जबरदस्त, भाई बोल रहा था मैं जबरदस्त एरियाज में ही आते हैं गाइस अपन लोग बाइक लेके। क्यों, क्या बोलते हो चॉप वॉक्ट भाई? यहाँ पर से तो पूरे वॉबली मैप का शानदार नजारा मिल रहा है ब्रो। अरे तो शानदार नजारों के लिए तो फेमस है तुम्हारा फ्रॉस्टी भाई। तो गाइस वीडियो कैसे लगी जल्दी बताना भाई कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप लोग चाहते हो भाई अपन लोग ऐसे ही और एडवेंचरस और जबरदस्त बाइक ट्रिप्स पे आए तो फटाफट से अपने को बता दो कमेंट सेक्शन में। और क्या क्या चीजें हम लोग को फ्यूचर में करनी चाहिए ये भी बता देना। इस वीडियो के लिए तो इतने काफी था गाइस। आई थिंक आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।